सो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने पालमपुर की जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में पढ़ा था। रिमेंबर, हम लोगों ने देखा था दैट फार्मिंग में 75% लोग इंक्लूडेड हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पालमपुर में रेस्ट 25% लोग अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं। हमने देखा था दैट फार्मिंग इज़ द मेजर एक्टिविटी इन पालमपुर, लेकिन उस एक्टिविटी को कितने लोग करते हैं, 75% लोग। लेट्स सी के अदर 25% लोग पालमपुर में क्या करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन द एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट पालमपुर में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है। सिर्फ 25% लोग जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है। सो लेट्स सी कि ये 25% लोग अपने लाइवलीहुड के लिए कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। पहला, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज़ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द जवार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज from where the milk is transported to far away towns and cities। क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि farming की तरह dairy is also the other common activity जो पालमपुर में होती है। पालमपुर की बहुत सारी families जो है वो इस activity को करते हैं। buffaloes and cows को वो लोग कैसे feed करते हैं, हमने पढ़ा था जवार एंड बाजरा जो वो लोग rainy season में grow करते हैं, उस जवार एंड बाजरा को यूज़ किया जाता है कैटल्स को फीड करने के लिए। जो भी मिल्क होता है उस मिल्क को वो लोग कहाँ पे सेल कर देते हैं, रायगंज में। कहाँ सेल करते हैं, रायगंज में सेल करते हैं, क्योंकि रायगंज में कुछ ट्रेडर्स ने वहाँ पे चिलिंग सेंटर्स रखे हैं। चिलिंग सेंटर्स मतलब अलग अलग जगहों से मिल्क वहाँ पर आता है, वहाँ मिल्क स्टोर होता है एंड देन उसके बाद जो आसपास के टाउन्स एंड सिटीज़ है वहाँ पर ये लोग इस मिल्क को सेल करते हैं। सो सिंपल, पालमपुर के डेयरी वर्कर्स को क्या करना है, उनको पालमपुर में जितना भी मिल्क है वो कलेक्ट करना है और उस मिल्क को कहाँ पर दे देना है, रायगंज के कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर में। देन रायगंज का जो चिलिंग सेंटर है वहाँ से उस मिल्क को अलग 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 सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये हमारी पहली एक्टिविटी थी, कौन सी, डेयरी एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा देर इज़ द सेकेंड एक्टिविटी इन पालमपुर, द सेकेंड नॉन फार्म एक्टिविटी, एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। नाउ पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज, यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्री नहीं है बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स and are done on the small scale. They are carried out mostly at house or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that second activity, second production activity जो पालमपुर में है वो कौन सी है, manufacturing activity है, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया है कि less than 50 people in पालमपुर है जो किसमें इंडल्ज है, किसमें एंगेज्ड है, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नाउ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो बड़ी फैक्ट्रीज में होता है और जो पालमपुर में होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है ना। बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े टाउन्स एंड सिटीज़ में जो
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, बाहर से लेबर को हायर किया जाता है, लेकिन पालमपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। पालमपुर में बहुत सिंपल प्रोसेस से ये प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है। मोस्ट ऑफ टाइम फैक्ट्रीज वगैरह भी नहीं होती, लोग अपने घर पे ही ये वर्क करते हैं एंड अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ये वर्क किया जाता है। बहुत रेयर टाइम पे, जब कभी ऐसा हुआ कि ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा है या कुछ ऐसा है, तो ऐसे टाइम पर वो लेबरर को बाहर से हायर करते हैं। वरना पालमपुर में प्रोडक्शन कैसे होता है? घर के अंदर और अपने फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करके। अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी दी हुई है, लेट्स सी क्या है ये। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट अप ऑन हिज फील्ड। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स बट पीपल प्रिफर टू डू बाय मशीन इन दिस डेज। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इंटू जैगरी। द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। इन दिस प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। अभी क्या बताया हुआ है यहाँ पे, स्मॉल फार्म, स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बताया है। एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी किसकी है ये? मिश्री लाल की। मिश्री लाल ने अभी अभी एक शुगर केन क्रशिंग मशीन ली है। आपने देखा रहेगा वो गन्ने का रस निकालते हैं, वो मशीन मिश्री लाल ने ली है। अच्छा, पहले फार्मर्स वो कैसे क्रश करते थे शुगर केन को? बफेलोस को यूज़ करके, बुलक्स को यूज़ करके, बट अभी कैसे करते हैं? बाय मशीन। नाउ मिश्री लाल क्या करता है, उस मशीन से शुगर केन को क्रश करता है। शुगर केन का जो जूस रहता है उसको वो हीट करके जैगरी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? गुड़ में कन्वर्ट करता है, जैगरी में कन्वर्ट करता है, एंड देन उस जैगरी को वो लोग बेच देते हैं। सो बाय दिस मीन्स वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर लेता है। सो ये एक एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इन पालमपुर। आपने देखा यहाँ पे छोटी सी मशीन है, फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व है, बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत ही हो रहा है। क्लियर? सो ये पालमपुर का एक एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा एक्टिविटी। दो एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं, कौन सी? डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब तीसरी एक्टिविटी आती है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। नाउ आपने देखा रहेगा विलेज के अंदर भी दुकानें होती है, करेक्ट? और वो कोई बाहर से आके नहीं करता, जो विलेज के लोग हैं वही शॉप सेटअप करते हैं। सो ये तीसरी एक्टिविटी है पालमपुर में, लेट्स सी क्या है ये। पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the city and sell them in the village. You can see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. अभी तीसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? शॉपकीपिंग। नाउ पालमपुर के अंदर बहुत ज़्यादा शॉपकीपर्स नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नाउ जो कुछ एक दो तीन फैमिलीज़ है जो पालमपुर में शॉपकीपिंग का वर्क करती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रायगंज या शाहपुर वहाँ के होल सेलर्स से चीज़ें परचेस करते हैं एंड अपने विलेज में उनको सेल करते हैं। आपने देखा रहेगा विलेजेस के अंदर जनरल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिलेगी, है ना। जनरल स्टोर है तो ग्रॉसरीज भी मिलेगा आपको, स्टेशनरी भी मिलेगी, एंड कुछ कुछ शॉप्स पर तो सिंपल वैरायटी ऑफ क्लोथ भी आपको मिल जाते हैं, किटिंग। सो यहाँ पे पालमपुर में भी ऐसा ही है कि कुछ शॉप है गिने चुने, वो शॉप ग्रॉसरी, स्टेशनरी, क्लोथिंग सब कुछ सेल करते हैं। नेक्स्टली
कुछ फैमिलीज़ है जिनका घर अगर बस स्टैंड के आसपास है ना, बस स्टैंड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि दैट इज़ द प्लेस जहाँ पर थोड़ा बहुत रश होता है। तो जो फैमिलीज़ का घर बस स्टैंड के आसपास है, वो फैमिलीज़ ने क्या किया हुआ है, अपने घर के बाहर ईटेबल्स का शॉप लगाया है। ईटेबल्स मतलब जो खाने पीने की लारी लगती है ना, वैसा कुछ उन लोगों ने ईटेबल्स का शॉप रखा हुआ है, एंड वो लोग ईटेबल्स सेल करते हैं एंड वहाँ से थोड़ा बहुत मनी अर्न करते हैं। लेट्स सी ये स्टोरी हमें क्या बताती है। करीम हैज ओपन्ड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। इन रीसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। करीम फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। देर वेर टू वुमेन इन द विलेज who had a degree in computer application. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good number. Now Kareem, usne kya kiya? He started a computer classes apne hi village mein, Palampur mein. Usne dekha that kuch bacche hai जो अब मतलब धीरे धीरे कॉलेज जाना उनका बढ़ रहा है, कॉलेज जा रहे हैं तो दे आर ऑल्सो अटेंडिंग द कंप्यूटर क्लासेस। सो उसने क्या सोचा दैट अगर ये लोग शाहपुर या रायगंज में कंप्यूटर क्लास अटेंड करते हैं, उससे बेटर हम पालमपुर में ही कंप्यूटर क्लासेस शुरू कर देते हैं, है ना। पालमपुर में रहेगा तो पालमपुर के बच्चे कहाँ आएंगे, इसी सेंटर पर आएंगे, वो रायगंज या शाहपुर नहीं जाएंगे। करीम फाउंड आउट कि देर आर टू वुमेन्स इन पालमपुर जिनके पास अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री भी है। तो करीम ने क्या किया, उन दोनों को अपने कंप्यूटर क्लासेस में वर्क दे दिया। ठीक है, करीम ने कुछ कंप्यूटर्स लेकर आया और उसने नई शॉप नहीं खरीदी, उसके घर का जो फ्रंट रूम था, लिविंग रूम था, उसी में उसने उन कंप्यूटर्स को सेटअप कर दिया। अब धीरे धीरे करके बच्चे जो है वो आना इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी एक टाइप की शॉपकीपिंग एक्टिविटी है जो पालमपुर में हुई है। ठीक है, ये सब सिर्फ स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज, ताकि आप सिचुएशंस को समझो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। फोर्थ नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सी है, फोर्थ एंड लास्ट वीकेंड से नॉन फार्म एक्टिविटी कौन सी है, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. Rikshawalas, chongawalas, jeep, tractor, truck drivers and people driving the traditional bullock carts and bogies are people in the transport service. They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in transport have grown over the last several years. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that we have seen के पालमपुर में अच्छा रोड है, ऑल वेदर रोड जो रायगंज और शाहपुर से कनेक्ट होता है। रोड पर बहुत सारे मॉडर्न व्हीकल्स भी चलते हैं एंड जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं वो भी रन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट, वो क्या करते हैं लोगों को एंड गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड उसके रिटर्न्स में उनको मनी मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ द फोर्थ सेक्टर, फोर्थ नॉन फार्म एक्टिविटी जो कहाँ पर हो रही है, पालमपुर में। अब यहाँ पे हमें एक फिर से स्टोरी दी हुई है। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless households. Kishora brought a buffalo with this money. Now he sells buffalo's milk. Further, he attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items.
वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद द लोड ऑफ जैगरी और सम अदर कमोडिटीज एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन द ट्रांसपोर्ट एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक. अभी यहाँ पर हमें किशोरा की स्टोरी दी हुई है. ही वॉज अ लैंडलेस फार्मर और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अपने फैमिली, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू अर्न कि वो अपनी फैमिली के लिए फूड क्लोदिंग शेल्टर परचेस कर पाए. लेकिन उसके पास जो भी जितना भी वो अर्न करता था वो उसकी फैमिली के लिए इनफ नहीं था. ना वो बैंक गया, बैंक ने उसको लोन दिया अंडर अ स्कीम. गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी जिस स्कीम में जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको पैसे प्रोवाइड किए जा रहे थे, उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा था. तो किशोरा ने क्या किया, वहाँ से लोन लिया. लोन लेकर उसने बफेलोस परचेस किए. अब किशोरा क्या करता है, वो बफेलो के मिल्क को सेल करता है. एंड वंस इन अ वाइल, मतलब हफ्ते में एक दो बार वो क्या करता है, उस बफेलो के पीछे उसने एक वुडन कार्ट भी ज्वाइन कर लिया है. तो वो क्या करता है, वंस इन अ वाइल कभी रायगंज जाएगा तो कुछ ट्रांसपोर्ट करेगा, कभी किसी के लिए कुछ सामान लेकर आएगा, कभी किसी का सामान देकर आएगा. तो ऐसे धीरे धीरे करके अब उसने ट्रांसपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया. एंड नाउ ही इज़ एबल टू अर्न मोर मनी देन ही यूज टू अर्न बिफोर. अब वो मिल्क से भी पैसे अर्न कर रहा है एंड साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन से भी पैसे अर्न कर रहा है. सो यहाँ पे पालमपुर की स्टोरी ख़त्म होती है. हमने क्या क्या देखा, हमने फार्मिंग के बारे में देखा, फार्मिंग में हमने लैंड लेबर कैपिटल पढ़ा. वी सॉ 75% लोग फार्मिंग करते हैं, लैंड को कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वो लोग. देन वी सॉ के लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल कैसे अरेंज हो रहा है. देन उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा अबाउट द रेस्ट 25% लोग, वो कौन सी एक्टिविटी करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, सॉरी डेयरी एक्टिविटी करते हैं. देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी है पालमपुर में. देन कुछ लोग हैं जो किसमें एंगेज्ड है, देर आर सर्टन पीपल हु आर एंगेज्ड इन द शॉपकीपिंग एंड देर आर सर्टन पीपल जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी भी करते हैं. सो यहाँ पे पालमपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे. हमने देखा था ना चार फैक्टर्स होते हैं जिसमें से तीन हमने इस चैप्टर में पढ़े. अब हमारा नेक्स्ट कैपिटल जो है फोर्थ कैपिटल, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.